हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 वेल एंड आई एम बैक विथ अनदर एपिसोड ऑफ नो योर यूनिवर्सिटीज सो बिफोर दिस अंडर नो योर यूनिवर्सिटीज हमने दो यूनिवर्सिटीज कवर कर ली हैं दैट इज बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं चेकआउट किए हैं प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोज़ आउट इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दोज यूनिवर्सिटीज और आज हम बात करने वाले हैं जे एन यू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में जो दिल्ली में है इट इज अ वेरी प्रेस्टीजियस वेरी रिनोड यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है यहां पे जाना यहां पे पढ़ना तो हम हमारा एम यह है कि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एवरी थिंग अबाउट जे एन यू

प्लीज डू सब्सक्राइब गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल राइट तो लेट्स सी आज हम क्या क्या देखने वाले हैं सो टुडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यू कैन फर्स्ट लुक एट दैट दैट इज द बैकग्राउंड में आपको हल्का सा दिख रहा होगा किस तरह की यूनिवर्सिटी है इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी एक्चुअली बहुत ही पुरानी बहुत ही रिनोड यूनिवर्सिटी है और हम आज इसकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखने वाले हैं कब स्टेबलिश हुई थी यूनिवर्सिटी क्या सिग्निफिकेंस है फिर हम देखेंगे यहाँ के स्कूल्स और सेंटर्स तो बेसिकली जे के अंदर कॉलेजेस नहीं होते हैं कॉलेजेस नहीं होते हैं, मतलब मतलब यहाँ स्कूल्स एंड सेंटर्स हैं रिसर्च सेंटर्स हैं और स्कूल्स हैं आपको जो एक्सेलेंस प्रोवाइड करेगी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी देन कौन से कौन से कोर्सेज ऑफर करती है जे तो वैसे तो जे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है बट सी के थ्रू वो कौन से कोर्सेज ऑफर करती है हमारा मेन एम वो है सो so, बेसिकली हम वो देखेंगे कौन से कुछ रिनोड एलुमिनाएं जे से जिससे कि आपको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी यू नो यू कैन एम दैट एंड प्लेसमेंट रिपोर्ट जे एन यू की बिकॉज ऑफ कॉर्स अल्टीमेटली गोल तो करियर होता है हमारा वी डू वॉन्ट आई मीन एक्सेलेंस इज द गोल बट ऑल्सो यू नीड अ गुड करियर पाथ तो उसके लिए यू शुड नो अबाउट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड एडमिशन प्रोसेस कि कैसे आप वहाँ पर जा सकते हैं इन जे एन यू राइट सो लेट्स गेट इन टू ऑल ऑफ दैट तो सबसे पहले जे एन यू के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ जे एन यू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज अ पब्लिक मेजर रिसर्च यूनिवर्सिटी तो यहां से एक चीज में मैं इंफेसाइज करना चाहूंगी इस चीज को कि जे वैसे सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए पॉपुलर है इट इज द रिसर्च कोर्सेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च और पी करके निकलना चाहते हैं यही नहीं देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट जिनको जे एन देती है विच गिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको जे के थ्रू रिकोगनीशन मिलती है और बहुत सारे लोग वहां जाकर रिसर्च परस्यू करते हैं पीएचडी कर सकते हैं सो एक्चुअली गुड एंड देन गिव यूरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ ग्रेट करियर तो इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इनटीन सिक्सटी एंड इट इज नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली वॉज द इंडिया प्राइम मिनिस्टर the university is known for leading faculties and research emphasis on social sciences and applied sciences to so, leading faculties jnu un universities mein se ek hai jisse actually uski padhai ke liye jana jata hai बहुत सारी universities बहुत चीजों के लिए famous होती है मैं ऐसा नहीं कह रही कि बा, बाकी कहीं पे पढ़ाई नहीं होती अच्छी या वहां के फैकल्टीज अच्छे नहीं है बट ये यूनिवर्सिटी स्पेशली इट इट हैज अ अपेन कि यहाँ पे आपको ना वैसा माहौल नहीं है कि मतलब आप यू कैन जस्ट चिल एंड नॉट अटेंडिंग द क्लासेस एंड नॉट डूइंग एनीथिंग जेएनयू में एक्चुअली पढ़ाई होती है क्लासेस होती है वहाँ के uh, जो लेक्चरर्स हैं दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली रिगरस एनवायरमेंट है, uh, है वहाँ का तो वहाँ पे बहुत एजुकेशन पे बहुत एम्फोसाइज किया जाता है दे वॉन्ट यू टू अटेन अ काइंड ऑफ एक्सेलेंस इन वॉट एवर यू आर टारगेटिंग

तो मतलब यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एन्वायरमेंट द काइंड ऑफ जो वहां का और है वो किस तरह का होगा इट इज अ वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट आगे चलते हैं थोड़ा बहुत जेएनयू के बारे में जानते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था जेएनयू में कॉलेजेस नहीं है वहां पे स्कूल्स हैं और सेंटर्स हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कौन से कौन से स्कूल्स हैं डिपार्टमेंट्स कौन से कौन से हैं वहां पे सो so, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज डिवाइडेड इंटू ट्वेंटी स्कूल्स एंड सेंटर्स एक्चुअली इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पे स्कूल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी फिर स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड एंड साइंसेज कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग School of Environmental Sciences International Studies, Language and Literature Cultural Studies, Life Sciences, फिर अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रनोरशिप तो मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए फिजिकल साइंसेज फिर स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज अपने सोशल साइंस कोर्सेज के लिए जे एन यू बहुत ही रेप्यूटेड और बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है इनफैक्ट यहाँ से जितने एलुमिन निकले हैं दे आर मोस्टली दे हैव अ करियर इन पॉलिटिक्स और दे हैव बिन सोशल एक्टिविस्ट दे हैव बिन हिस्टोरियंस दे हैव बिन डिप्लोमैट्स ये इसी तरह के कोर्सेज वहां के फोटे हैं स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च है स्टूड ऑफ लॉ एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस भी है सेंटर फॉर ई लर्निंग है अगर आपको ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है तो सेंटर फॉर मोलिक्यूलर मेडिसिन सेंटर फॉर नैनो साइंस सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड द सेंटर ऑफ फॉर स्टडी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो ये कुछ स्पेशल सेंटर्स हैं, ये सब स्पेशल सेंटर्स है ई e लर्निंग का स्पेशल सेंटर है डिजास्टर रिसर्च का स्पेशल सेंटर है मॉलिक्यूलर मेडिसिन के लिए स्पेशल सेंटर चलता है नैनो साइंस के लिए स्पेशल सेंटर चलता है तो यहाँ पे बहुत सारे जैसा कि मैंने कहा रिसर्च वर्क बहुत चलता है जे में तो काफी सारे रिसर्च फैसिलिटीज भी वहाँ पे प्रोवाइडेड है तो ये तो कुछ स्कूल्स हुए हैं सेंटर्स हुए हैं जे के बट एज आई सेड हमारा टारगेट अगर हम सी को मान के चले तो वी आर टारगेटिंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ जे एन यू राइट सो फर्स्ट लेट्स लुक एट कि कौन से कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करती है जे एन यू बाय आ सी तो एज यू कैन सी आई एम ऑन सी सी टी डॉट समर्थ डॉट ए सी डॉट इन एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द कोर्सेज दैट जे एन यू ऑफर्स जे एन यू ऑफर्स आर सी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे जाते हैं एंड लेट्स गो फॉर द कोर्सेज दैट वी आर टारगेटिंग ऑल राइट तो ये रहे कुछ कोर्सेस सो बेसिकली बी एनर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे आपको ट डिग्री और यहाँ पे बी ए बहुत सारी लैंग्वेजेस में करवाई जाती है ऑल राइट सो एज यू कैन सी ओ वे बी एनर्स इन पास्तो बी ए ऑ ऑनर्स इन परशियन बी ए ऑनर्स इन अरेबिक बी ए ऑनर्स इन जैपनीज बी ए ऑनर्स इन कोरियन बी ए ऑनर्स इन चाइनीज बहुत सारी लैंग्वेजेस में फ्रेंच में कर सकते हो आप बी ए ऑनर्स जर्मन में कर सकते हो स्पेनिश में कर सकते हो फिर आपको बी एस सी एम एस सी के कोर्सेज भी मिल जाएंगे तो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है आयुर्वेद बायोलॉजी में इफ़ यू वॉन्ट टू डू इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ बी एस सी एम एस सी कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑल राइट तो यू कैन गो फॉर दैट देन अगैन बी ए ऑनर्स रशियन में फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप के कोर्सेज चलते हैं जिनको ये कहते हैं सेंटर ऑफ प्रोफिशियंसी प्रोग्राम्स तो ये बेसिकली डिग्री कोर्स नहीं है बट ये एक तरह से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं बट दे विल लॉन्च अ गुड करियर पाथ फॉर यू एज वेल यहां से करवाए जा रहे हैं तो इनकी अच्छी रेप्यूटेशन है सो सेंटर ऑफ प्रोफिशंसी प्रोग्राम मैंगोलियन में भाषा इंडोनेशिया उर्दू पास्ट्रो अगैन एज आई सेड लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको कर सकते हो उजबेक हर्ब्यू पाली संस्कृत कंप्यूटेशनल लैंग्वेज

कुछ एलुमिनाइज की तरफ देखते हैं जे से जैसा कि मैंने कहा जे से ज्यादातर जो निकलते हैं पॉलिटिशियंस डिप्लोमैट्स तो एज यू नो सुब्रमण्यम जयशंकर इज आर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वेरी फेमस ही इज अन यू एल्यूमिनाई हरुण राशद खान इज फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी आई देन वेणु राजमोनी फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन यू नो निर्मला सीतारामन अभी करंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देन अमिताभ कंत फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग तो बहुत सारे रिनोड पर्सनालिटीज जो हैं उन्होंने जे से अपना करियर लॉन्च किया है ऑफ कोर्स यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ की डिग्री का अपना एक वेटेज है एंड अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो जितने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और जितने सी प्रोग्राम्स हैं तो उनके लिए जे में एडमिशन लेने का एक ही तरीका है दैट इज सी दैट्स इट और अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अगर आप बीटेक प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हो तो वो जेई मेन्स -E के थ्रू होता है तो बेसिकली अगर आपको बी टेक के अलावा और कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है जे से तो दैट एडमिशन विल ओनली बी थ्रू सी राइट ऑल अब हम प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं जेएनयू की थोड़ी बहुत बिकॉज ये थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन साबित हो सकती है तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यूजी ईयर प्रोग्राम्स की बात करें तो मीडियम पैकेज 2019 में 6.3 लाख पर एनम रहा है। ये मीडियम पैकेज है लाइक like, ओके okay, तो हम फिर अगर मैं 2020 की बात करूं तो 6 लाख पर एनम रहा है और अगेन 2021 में भी तो 6 6.3 ये इसका एवरेज चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट थ्री ईयर की बात करूँ तो सेवन पॉइंट नाइन नाइन मतलब अप्रॉक्सिमेटली एट लाख पर एनएम तक सेवन पॉइंट इन ट्वेंटी 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 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है वो एंड देन पी जी थ्री ईयर प्रोग्राम का अगर हम देखें तो मीडियम पैकेज सिक्स पॉइंट नाइन फाइव लाख पर एन एम इन ट्वेंटी ट्वेंटी रहा है और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एट लाख पर एन एम रहा है तो बेसिकली जे जो है वो पीजी और रिसर्च फैसिलिटीज में ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा स्कोप प्रोवाइड करता है टू कैंडिडेट्स बट एज आई सेड अगर आप यहां से कोई यूजी uh, कोर्स करते हो तो इट्स नॉट लाइक इट डजेंट एनी काइंड ऑफ वैल्यू इट हैज अ लॉट ऑफ वेटेज बिकॉज यहाँ की डिग्री ही अपने आप में एक बहुत ही रिप्यूटेड बात है कि अगर आपने यहाँ से कोई कोर्स किया है तो सो ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन जिसके ऊपर आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो राइट right? Okay, so yeah, this was all about JNU, this was all about the university. Phir... इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन से प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए सो so, ये सारी चीज़ें इट विल डिफर फ्रॉम कोर्स टू कोर्स आई मीन कौन से कोर्स के अंदर कौन सा uh, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए ये सारी हर कोर्स के लिए डिफरेंट होगी बट इन अ नेचुरल अगर आपको जे में एडमिशन लेना है तो सारे यू जी कोर्सेज के लिए यू विल हैव टू हैव टू टारगेट सी यू टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इफ़ यू इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस कॉलेज नेक्स्ट ईयर So this was all about GNU, but please do stay tuned to Utkar's UET channel. We are going to bring you many such universities where you can, uh, you can decide if you want to go there and how can you go there. Thank you so much and take care of yourselves.